हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप सभी लोगों को डेली का डेली प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज़ का। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। डेली जो भी आपको मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया था, वो आप लोग कॉन्टिन्यूटी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, प्रैक्टिस सेट में टोटल 125 क्वेश्चन है। आप सभी लोग स्कोरिंग अपनी अवश्य करते रहिएगा कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस ईमानदारी के साथ में सही होते हैं। आप सभी लोग अब कंटिन्यूटी बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ें मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, हड्डी टूटने का तुरंत उपचार क्या है। जो हड्डी टूटने का तुरंत उपचार है ये निम्नलिखित में से क्या है? रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना, चोट वाले भाग की हलचल बंद करना, चोट वाले भाग की हलचल बंद करना, या फिर बर्फ से उपचार करना, या फिर डी ऑप्शन है, टेटनेस विरोधी इंजेक्शन लगाया जाना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर से रिलेट करेंगे, बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है ये कहाँ पर होती है? इसमें ये प्रक्रिया आपको बताना है ये किससे रिलेट करेगा, लाइसोसोम, सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट उत्तर अटेम्प्ट करेंगे। राइट आंसर आप सभी का आ चुका है, सार्कोप्लाज्म से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? इसमें निम्नलिखित में से कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? 2, 6, 4 या फिर 5 होते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट जो आंसर अटेम्प्ट करेंगे कौन सा होगा, किस ऑप्शन से आपका उत्तर रिलेट करेगा, बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, बी ऑप्शन जो भी स्टूडेंट अटेम्प्ट किए उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी के बराबर जो है ऊर्जा प्राप्त होती है? इसमें कितने एटीपी के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट्स में आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। सी ऑप्शन 38 एटीपी यहां पे आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है जो एपी का संबंध जो है ये किस खेल से, जी किस खेल से रिलेट करें, कुश्ती, तलवारबाजी, ब्रिज, पोलो। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में जो होना चाहिए वो कौन सा है, तलवारबाजी से रिलेट करते हैं, बी ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसके प्राप्त होने से जो है लैक्टिक एसिड पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, ये किससे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर ग्लूकोजन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का जो आंसर है यहाँ पे क्या ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे, संबंधित है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सी ऑप्शन हाइड्रोजन से संबंधित है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्राइथलन खेल में निम्न में से कौन सा खेल नहीं होता है? इसमें निम्नलिखित में से जो है कौन सा खेल नहीं होता, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नहीं होता है, ओपन वाटर स्विमिंग नहीं होता है, क्रॉस कंट्री या फिर साइकिलिंग। हाँ, बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
राइट आंसर आपका इस प्रश्न में कौन सा है, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से रिलेट करते हैं, ए ऑप्शन आप लोगों का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैधता का वह प्रकार जिसमें परीक्षण प्राप्तांक जो है वर्तमान व्यवहार से संबंधित होता है को कहा जाता है, इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। अंतर विषय कहा जाता है, पूर्व कथनात्मक वैधता कहते हैं, समवर्ती वैधता कहते हैं, या फिर रचनात्मक वैधता से रिलेट करेंगे। एट्थ क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका जो है क्या होगा। बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर से रिलेट करेंगे सी ऑप्शन, समवर्ती वैधता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से किसे प्रेक्षण की उप प्रक्रिया नहीं माना जाता है, निम्नलिखित में से किसको प्रेक्षण की जो है उप प्रक्रिया नहीं माना जाता, अभिलेखन को नहीं माना जाता है, सामान्यीकरण, उत्तेजन, या फिर डी ऑप्शन है चयन। हाँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। इस प्रश्न में आप लोगों का आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश व्यक्तियों के व्यवहारों में जो है क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी, इसमें जो सबसे उपयुक्त विधि है सर्वे विधि है, अनुदैर्ध्य विधि है, अनुप्रस्थ काट विधि है, या फिर क्रॉस सांस्कृतिक विधि। हाँ, इसमें हो जाएगा अनुदैर्ध्य विधि से रिलेट करते हैं, बी ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। YMCA मद्रास के प्रथम जो है प्रधानाचार्य थे, इनमें से कौन से हैं, GD सोंडी, HC बक, CA ब्यूकर, या फिर PM जोसेफ। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप सभी लोग YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहां से सर्च करके देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट का जो आंसर है क्या होना चाहिए, YMCA मद्रास के प्रथम प्रधानाचार्य जो हैं HC बक से रिलेट करते हैं, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं, कैलिस्टेनिक्स कहते हैं, ड्रिल तथा मार्चिंग, या फिर भार प्रशिक्षण, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 12th में आप लोगों का आंसर जो है वो कौन सा होगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सभी स्टूडेंट यहाँ पे उत्तर अटेम्प्ट कर चुके हैं, बी ऑप्शन से रिलेट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपका जो कॉमन टेस्ट होता है उसमें ये प्रोवाइड भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है, जो डायर परीक्षण है ये निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है, ये किससे रिलेट करता है, हॉकी से रिलेट करता है, बास्केटबॉल, टेनिस, या फिर फुटबॉल। ये टेनिस से रिलेट करता है, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की तीव्रता होती है, जो भार की तीव्रता है ये किससे रिलेट करेगा, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 15th। 400 मीटर बाधा दौड़ की अंतिम बाधा व समाप्ति रेखा के बीच कितनी दूरी होगी, इसके बीच जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी वो 35 मीटर होगी, 4 मीटर होगी, 40 मीटर होगी, या फिर डी ऑप्शन है 50 मीटर। 15 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर जो है वो कौन सा है, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। और अगला जो कॉमन टेस्ट है आप सभी का 20 और 21 सितंबर को होना है, जिसके लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं 10 रुपीज़ का पेमेंट करके आप सभी लोग उस कॉमन टेस्ट से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वहाँ पे देख सकते हैं कि किस लेवल पे आप लोग की तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15th में सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है, यह किसका कथन है।
ये कथन जो रिलेट करता है क्रैटी से रिलेटेड है, हेनरी पी स्मिथ से रिलेटेड है, मन व फर्नाल्ड से रिलेटेड है, एच सी मॉरिसन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16th में आपका आंसर जो है वो हो जाएगा एच सी मॉरिसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्गत जो है सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये विलियम महोदय ने प्रतिपादित किया, कोहलर टॉलमैन या फिर डी ऑप्शन थॉर्नडाइक। हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 16 PF प्रश्नावली जो है ये किससे संबंधित है, मनोविज्ञान परीक्षण से रिलेटेड है, सामाजिक परीक्षण से रिलेटेड है, शरीर क्रिया परीक्षण से रिलेटेड है, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है शरीर गति परीक्षण से संबंधित है, रिलेटेड है, बताइए। 18th क्वेश्चन, 16 PF प्रश्नावली ये मनोविज्ञान परीक्षण से रिलेटेड है, ए ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट का यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, इसमें जो विटामिन डी की कमी से होता है ये क्या होगा, रक्त स्राव रोग होगा, सूखा रोग होगा, बेरी बेरी होगा, या फिर त्वचा फटने का रोग। 19th क्वेश्चन में आप सभी लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा, यहां जो आंसर है वो किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ऑक्सीजन ऋण का आविष्कार किसने किया, जो ऑक्सीजन ऋण है इसका जो आविष्कार किया है वी ए जोसेफ ने किया है, वी ए ग्रिल ने किया है, ए वी हिल ने किया, या फिर ए बी वॉटसन ने किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन नया है, देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग नेट में भी देखे होंगे जो एग्जाम हुआ है, और आपका टीजीटी जो आपका होता है झारखंड का, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें आप लोग का राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे विश्वसनीय माप बताइएगा, ये हो जाता है माध्य से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शून्य परिकल्पना कथन है, जो शून्य परिकल्पना कथन है दो समूहों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रतिवेदन में प्राथमिक सामग्री जो होगा, राजस्थान पीटीआई यानी कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन, आभार व्यक्त करना क्या टीजीटी में नहीं आ सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। जिम्नास्टिक सबसे अधिक लोकप्रिय था, ये स्कैंडिनेविया में लोकप्रिय था, जापान जर्मनी या फिर स्पार्टा। 24 एग्जैक्टली राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसमें आपका सही उत्तर जो है वो कौन सा है, 24 में सी ऑप्शन जर्मनी से रिलेट करते हैं राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, प्लेटो को जनक के रूप में जाना जाता है, जो प्लेटो महोदय है इनको जनक के रूप में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, वास्तविकतावाद या फिर अनिवार्यतावाद, तो यहाँ पे आप सभी का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मानव की सर्वाधिक सामाजिकता प्रक्रिया बताइएगा ये किससे रिलेटेड है, सामाजिक सौजन्य, सामाजिक मुलाकात, सामाजिक समझ या फिर सामाजिक अंतर्वार्ता, तो ये प्रक्रिया जो मानव की सर्वाधिक सामाजिकता प्रक्रिया जो है ये सामाजिक समझ से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वृद्धि और विकास जो है के प्रबल मुख्य घटक बताइएगा, आनुवांशिक घटक हैं, वातावरणीय घटक हैं, आहारीय घटक हैं या फिर शारीरिक शिक्षा घटक। 27 का आंसर आप सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, इस प्रश्न में आपका उत्तर जो है क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन से रिलेट करते हैं। हाँ, स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा, 125 क्वेश्चंस में से आप सभी के ईमानदारी के साथ में कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, देखिए क्वेश्चंस का लेबल जो आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके यूपी टीजीटी के पैटर्न के अनुसार प्रोवाइड किया जाता है, और जितने भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं एमपी वर्ग
टू वर्ग थ्री मेंस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप सभी लोग भी चैनल से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हो। बिहार स्टेट के स्टूडेंट जो भी बिहार स्टेट आने वाला है उसकी तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो वो भी स्टूडेंट पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज आप लोग पे करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है सभी स्टूडेंट का, करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग लगातार जो भी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट क्विज प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में या फिर चैनल पे जहां भी मिलते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग इनको डेली का डेली तैयार करते रहिएगा, तभी आपको आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा। और 20 और 21 सितंबर को आप सभी के लिए कॉमन टेस्ट अवेलेबल है, उससे जो भी जुड़ना चाहते हैं वो भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। 125 क्वेश्चंस रहेंगे उस कॉमन टेस्ट में, दो कॉमन टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, एक 20 को रहेगा एक 21 को रहेगा। 28 ओलंपिक आदर्श सिटियस अल्टियस फोर्टियस के शब्द जो हैं किसके द्वारा दिए गए, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए हैं, फादर हेनरी डिडॉन के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से रेस्पिरेटरी मसल किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से बताइएगा जो रेस्पिरेटरी मसल है ये किसे कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल, सिलरी मसल, लैक्रिमल मसल या फिर काफ मसल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ए ऑप्शन आप सभी का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मांसपेशी क्रिया जो है पूर्णतया निर्भर है, मांसपेशी क्रिया जो है निम्नलिखित में से पूर्णतया किस पर निर्भर है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर है, तंत्रिका एवं रक्त संचरण पर निर्भर है, वातावरणीय उत्तेजकों पर निर्भर है या फिर डी ऑप्शन है आहारीय उपभोग पर निर्भर है। हाँ, सभी लोगों का आंसर इसमें आपको अटेम्प्ट करना है कौन सा होना चाहिए, किस ऑप्शन से रिलेट करते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस सेट के। हाँ, इस क्वेश्चन में आंसर आ चुका होगा आप लोगों का तंत्रिका एवं रक्त संचरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है निम्न में से एक कार्य नहीं आता, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिलेट नहीं करता है, रोगों का उपचार यहां पे हो जाएगा, ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट प्रशिक्षण विधि जो है किस विकास के लिए प्रयोग की जाती है, ये कौन से विकास के लिए प्रयोग की जाती है, गति एवं लचकता के लिए, गति एवं ताकत के लिए, ताकत एवं दमखम के लिए या फिर डी ऑप्शन है दमखम एवं गति के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, आप सभी लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। बहुत बेहतरीन, राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्शन प्रक्रिया सदैव किस तल में होती है, जो फ्लैक्शन प्रक्रिया है सदैव कौन से तल में होती है ये बताइए। देखिएगा इसमें आप लोग उत्तर जो अटेम्प्ट करेंगे ये क्या है। 33 ए ऑप्शन सजिटल से रिलेट करते हैं, ए उत्तर आप लोगों का आंसर हो जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशियां हैं शिथिल रहती हैं वो हैं, वो क्या हैं, स्थितारक हैं, विरोधक हैं, प्रचालक हैं या फिर निराकारक हैं। 34 हाँ, बहुत बेहतरीन, बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया जो होती है ये क्या कहलाती है, ये निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, एडक्शन, एब्डक्शन, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया जो होती है ये कहलाती एब्डक्शन, सभी स्टूडेंट का आंसर है बी उत्तर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है, इसका जो सबसे कारगर तरीका है ये क्या है, जिम्नेजियम एवं स्टेडियम का ज़्यादा निर्माण, आधुनिक उपकरणों की खरीद, शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य करना या फिर डी ऑप्शन है आहार में सुधार।
हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन आप लोगों का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मांसपेशीय उत्तक की बाहरी परत को कहते हैं, ये जो बाहरी परत होती है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? एंडोमाइसियम कहते हैं, पेरिमाइसियम कहते हैं, एपिमाइसियम कहते हैं, या फिर सार्कोलीमा कहते हैं। हाँ, मांसपेशीय उत्तक की बाहरी परत निम्न में से क्या कहलाएगी? इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से यहां पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दो दिन पहले का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन अवेलेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनबर्न एवं स्नो ब्लाइंडनेस जो होता है ये ठंडी वातावरण से रिलेटेड है, गर्म वातावरण, ऊंचे स्थानों में, या फिर आर्द्र वातावरण। 38 ऊंचे स्थानों से रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लाल पेशियों में होती है, जो लाल पेशियां हैं ये ज़्यादा एरोबिक क्षमता वाली होती हैं, ज़्यादा एनएरोबिक क्षमता वाली होती हैं, ज़्यादा संकुचनात्मक तत्व, या फिर ज़्यादा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन। 39 क्वेश्चन, हाँ बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ए ऑप्शन ज़्यादा एरोबिक क्षमता से रिलेट करेंगे, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सिन स्प्लिंट होता है, जो सिन स्प्लिंट है ये क्या है? ऊपरी पाँव में होता है, निचले पाँव में होता है, पेट में होता है, या फिर डी ऑप्शन है, कमर में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है, सिन स्प्लिंट किससे रिलेट करेगा? तो ये रिलेट करता है निचले पांव से, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल जो है किस स्वर्णिम प्राचीन सभ्यता की धरोहर है, ये किसकी जो है धरोहर है? ग्रीस, रोम, फ्रांस, या फिर जर्मनी की? ओलंपिक खेल किस स्वर्णिम प्राचीन सभ्यता की धरोहर है? तो ये धरोहर है ग्रीस की। आप सभी स्टूडेंट का आंसर आया हुआ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जो एथलीट शब्द है इसकी उत्पत्ति आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? फ्रांस, स्पार्टा, रोम, या फिर एथेंस में? इस क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर, अभी दो दिन पहले ये भी प्रैक्टिस सेट में था क्वेश्चन, डी ऑप्शन है। ओलंपिक 2016 का आयोजन कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो से रिलेट करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीव्रतम शारीरिक वृद्धि जो है किसका परिणाम है? जो तीव्रतम शारीरिक वृद्धि है निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? जीव रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है, अंतःस्रावी परिवर्तन का परिणाम है, चयापचयी परिवर्तन, या फिर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। हाँ बताइएगा इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट जितने भी इस समय क्लास को देख रहे हैं क्या आंसर अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इन सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आयु एवं लिंग भेद का ज्ञान आवश्यक है, हाँ इसमें भी आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शारीरिक शिक्षा का चरित्र जो है बहुआयामी है, इसकी विषय वस्तु किससे ली गई है? इसकी जो विषय वस्तु है निम्नलिखित में से जीव विज्ञान से ली गई है, चिकित्सा विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, या फिर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। हाँ इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च की लीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, या फिर टारगेट क्लासेज विद हरीश सर, जो भी वीडियो, जो भी पार्ट, जो भी मैराथन वीडियो, प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं वहां से सर्च करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मांसपेशीय संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत बताइएगा, जो मांसपेशीय संकुचन है इसका प्रत्यक्ष स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शर्करा, विटामिन, प्रोटीन, या फिर वसा है क्या? हाँ 47 क्वेश्चन,
इसमें उत्तर आप लोगों का क्या होना चाहिए, मांसपेशीय संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत। तो ये है यहाँ पे ए ऑप्शन, शर्करा से रिलेट करते हैं। एग्जैक्टली आप लोगों का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मांसपेशी दुग्धामल को व्यायाम के पश्चात जो है कितने समय में समाप्त करते हैं, इसको कितने समय में समाप्त करते हैं, 20 मिनट में, 2 दिन में, 3 घंटे में, या फिर आपकी स्क्रीन पर एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, 60 मिनट में। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग अटेम्प्ट करिए, देखिएगा किस ऑप्शन से रिलेट करते हैं, कौन सा उत्तर इसका राइट हो जाता है। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए वहाँ पे मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट, या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट, या फिर रिविजन टेस्ट, जो भी प्रोवाइड किया था वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपीज़ का पेमेंट इसी नंबर पर आप लोग कर सकते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट, या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से TGT फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं। 2021 में जिस तरीके से तैयारी कराई गई थी उससे थोड़ा सा परिवर्तन करके इस बार आप लोग की तैयारी कराई जा रही है। 48 क्वेश्चन है, डी ऑप्शन 60 मिनट से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बृहत अभिघात जो है, चोटिल उत्तक पर पुनः चोटिल होना है, स्वास्थ्य उत्तक पर आघात है, पुनरावृत्तीय मध्यम आघात, या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर में आप लोगों का आंसर जो है स्वास्थ्य उत्तक पर आघात से रिलेट करेंगे। बी ऑप्शन आप सभी लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ग्रास नली संबंधित है, जो ग्रास नली है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रक्त संचरण तंत्र जो होता है उससे संबंधित है, स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र, या फिर डी ऑप्शन है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। ग्रास नली की बात करेंगे तो ये रिलेट करता है पाचन तंत्र से। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन किसमें पूछे गए थे, अभी आपका बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 2008 के लिए निम्न में से कौन सी कंपनी आधिकारिक रूप से समय रक्षक थी, केसिया, स्वाच, ओमेगा, या फिर सीको। 2008 की बात करते हैं तो ओमेगा से रिलेट करते हैं, सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में से किसने ओलंपिक का मोटो दिया था, तो ओलंपिक का जो मोटो रिलेट करते हैं क्या आपका ए ऑप्शन होगा। बहुत बेहतरीन, जल्दबाजी में आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर गलत ना होने पाए, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उस स्टेडियम का नाम बताइएगा जिसमें 1896 के पहले जो है आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे, ये स्टेडियम का क्या नाम था। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक उत्तर आप लोगों का सही होगा। ए आंसर हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर आपका डी उत्तर इसमें राइट होगा। बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओलंपिक के झंडे में छल्ले किसके सूचक होते हैं, तो ये महाद्वीप से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस बीमारी को लॉग्जा के नाम से भी जाना जाता, कौन सी बीमारी को जाना जाता, टिटनस बीमारी जो होगी ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना जो है निम्न में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये बताइएगा। देखिए आप सभी लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए, मैक्सिमम 98% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी टीचर हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं। कोई प्राइवेट स्कूल है या एडेड स्कूल में आप PTI के रूप में हो, या फिर आप लोग संविदा पे वर्क करते हो, आपके पास जो समय है वो कम है लेकिन आपके पास में पढ़ना ज़्यादा है, तो जो भी समय आपको मिले उस समय पढ़िए जरूर। देखिए कम पढ़िएगा लेकिन पढ़िएगा जरूर, इससे क्या होगा आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे और तैयारी जब आप अभी जब करेंगे तो उस टाइम पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और बेहतरीन तरीके से आप अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि लगातार आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो कलेक्शन होता जाएगा। इन सभी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कॉल करते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं रहता। टाइम किसी के पास नहीं, क्योंकि आप लोग का ऐसा सब्जेक्ट है और इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती है कि समय का कभी
अभी आपके पास में, वही नहीं कि आप 6 महीने 7 महीने साल भर लगातार पढ़ सकें, क्योंकि जिम्मेदारियां जो होती हैं उसमें पढ़ाई थोड़ा सा पीछे होती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी आपको समय मिले, 1 आवर मिले उसमें पढ़ाई कीजिएगा, 30 मिनट मिले तब भी आप अपना वीडियो ओपन कीजिए, या फिर आपके पास में जो PDF है, या फिर आपके पास जो नोट्स हैं, या फिर आपके पास जो बुक अवेलेबल हैं उससे पढ़िए। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से आप जुड़े रहेंगे और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आप सभी को उसका फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा प्लेन शरीर के ऊपर और नीचे के हिस्से में बांटता है, तो कौन सा इसमें होगा, ये ट्रांसवर्स से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज धावक सेट कमांड पर किस स्थिति में रहता है, ये कौन सी स्थिति में रहता है, स्थिर संतुलन की स्थिति में रहता है, तटस्थ संतुलन की स्थिति में रहता है, अस्थिर संतुलन की स्थिति में रहता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थिर संतुलन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। वेट स्पायरोमीटर निम्न में से किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वेट स्पायरोमीटर है ये निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए प्रयोग होता है, वायु धारकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई जो है निम्न में से किसको विपरीत तौर पर प्रभावित करती है, ये किसको प्रभावित करती, कूदने की क्षमता को प्रभावित करती है, तेज दौड़ क्षमता, लंबी दौड़ क्षमता, या फिर फेंकने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 60 है, आप लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा कि यहां जो आंसर है वो कौन सा है, किस ऑप्शन से रिलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई जो है निम्न में से किसको विपरीत तौर पर प्रभावित करती है, तो ये किसको प्रभावित करती, लंबी दौड़ क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल का आंतरिक इनाम है, निम्न में से आपको बताना है, पहचान, रुतबा, ध्यान देना, या फिर डी ऑप्शन है, आत्मसम्मान। 61 खेल का आंतरिक इनाम जो है ये आत्मसम्मान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं वो हैं, अभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं, वहाँ पे आप लोगों ने बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया था और उसको हमने सही भी कराया था, कुछ स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, राइट आंसर से रिलेट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका यूथ कॉम्पिटिशन की बुक में दिया हुआ है और बी ऑप्शन वहाँ पे है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके पहले के वीडियो में आप लोग को बी ऑप्शन दिया जा चुका है, अब यहां पे आप लोग अपडेट भी कर लीजिएगा और PDF में ऑलरेडी अपडेट किया जा चुका है। अभी जो कॉमन टेस्ट हुआ था शायद 15-16 के पहले 6-7 सितंबर को जो कॉमन टेस्ट हुआ है उसमें क्वेश्चन अपडेट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज्ञान परीक्षण में एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय जो है किसके द्वारा कर सकते हैं, ये किसके द्वारा कर सकते हैं, दोनों से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAHPER द्वारा युवा दक्षता परीक्षण क्या मापता है, ये क्या मीजर करता है, तो ये शारीरिक दक्षता जो है इसको मीजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है, आंवला जो होगा ये रिलेट करेगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, 65 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा और शब्दावली। निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है, निम्नलिखित में से बताइएगा किसका संबंध जो है कुश्ती से नहीं है, गीतिका जाखड़ का संबंध नहीं है, अलका तोमर का संबंध नहीं है, नेहा राठी प्रिया पुनिया। क्वेश्चन नंबर 66 में आप सभी स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट करेंगे, राइट आंसर इसमें जो नहीं की बात की गई है ये हो जाएगा प्रिया पुनिया से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला है कबड्डी के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, गलत भी जल्दबाजी में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। रूबेला नामक रोग
रोग शरीर में किस विषाणु से फैलता है? जो रूबेला नामक रोग है शरीर में कौन से विषाणु से फैलता है? राइनोटोगा वैरियोला या फिर वैरिसेला। 69। हाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैबडो वायरस का संबंध किस रोग से? जो रैबडो वायरस है इसका संबंध आपको बताना है कि मम्प से है, रेबीज से है, गोनोरिया या फिर प्लेग। 70। हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों का आंसर कौन सा होगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे, बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 नंबर बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी की तैयारी भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71, निम्न में से क्या विषम है? इसमें से बताइएगा कौन सा विषम है, तो फाइलेरिया विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एलिसा परीक्षण निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे रिलेटेड है, एंटीबॉडीज, वायरल रोग, एड्स या फिर उपरोक्त सभी, यहाँ पर रिलेट करेंगे सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिएगा। हाँ विटामिन ए से रिलेट करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंगत है? निम्नलिखित में से कौन असंगत है? राउंड बैक इसका आंसर होगा या फिर काइफोसिस होगा, हंस बैक या फिर स्वैबैक। असंगत की बात की जा रही तो इसमें से डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तानाशन जो है निम्न में से किस विकृति के सुधार में अधिक लाभकारी रहता है? किसमें ये अधिक लाभकारी रहता है, सपाट तौर, पोनैक, अग्र कुब्जता या फिर पार्श्व कुब्जता। 75 क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों का जो उत्तर आ रहा है ये कौन सा है, किस ऑप्शन से रिलेटेड है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। सी ऑप्शन अग्र कुब्जता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विकृति का नाम जो एस या सी के रूप में रीढ़ को आकार देता है, ये सख्त मेरुदंड है, कुब्जता है, पार्श्व कुब्जता या फिर अग्र कुब्जता। डेली मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट जो भी ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया था वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सभी नए पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के लिए जो है यूपी टीजीटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं न्यूज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं एग्जाम से संबंधित। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पार्श्व कुब्जता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, स्पाइनोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग जो है निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है, इसमें किसके मापने के लिए होता है, पार्श्व कुब्जता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किसे हिस्टोलॉजी का पितामह कहा जाता है, निम्नलिखित में से बताइएगा ये किसे कहते हैं, बी ऑप्शन इसमें आप लोगों का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, एक वयस्क में बताइएगा कितनी कशेरुकाएं होती हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबडॉइड सूचर जो होता है किन अस्थियों में पाया जाता है, ये कौन सी अस्थियां हैं जिसमें पाया जाता है, मैंडिबल मैक्सिला में पाया जाता है, ऑक्सीपिटल पैराइटल, रेडियस अल्ना या फिर स्फेनॉइड एथोमाइट। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप लोगों का कौन सा होगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ए ऑप्शन यहां पे होगा क्या, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे है, बी उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किसे कोशिका के राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें से साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोसिस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ किसे कहते हैं बताइएगा। हाँ प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इनका रिवीजन अवश्य करते रहिएगा, राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चमड़ी किस प्रकार के ऊतक से रिलेटेड है, ये उपकला है, संयोजी है, स्नायु है, ग्रंथियों से रिलेटेड या फिर ए ऑप्शन से संबंधित है।
हाँ, चमड़ी किस प्रकार की उत्तक से संबंधित है, ये उपकला से रिलेट करेंगे। ए ऑप्शन आ चुका है सभी स्टूडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, जो मांसपेशी है इसकी क्रियात्मक इकाई जो होती है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं। एलियोली को कहते हैं, नेफ्रॉन, एक्टिन या फिर सार्कोमियर। हाँ, इस क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर कौन सा होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेल्टाइड मांसपेशी के एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लैटिसमस डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विषम है, इसमें से बताइएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि विषम है। फिक्सेसर, स्टेबलाइजिंग, बैलिस्टिक या फिर मूवर। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहां पे आपको टाइपिंग में ए ऑप्शन जो है वो नहीं दिख रहा होगा सही से, लेकिन जो दूसरा पीडीएफ यहां पे ओपन है उसमें बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। बी ऑप्शन यहां पे होगा या फिर सी, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, विषम की बात की जा रही है, यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल द्वारा फैलने वाला रोग निम्न में से है, जो जल के द्वारा फैलने वाला रोग है ये निम्नलिखित में से, हैजा, टाइफाइड, अतिसार या फिर उपरोक्त सभी। 86 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है, निम्न कथन जो है ये किससे रिलेटेड है। जे एफ विलियम से रिलेटेड है, अरस्तु, WHO या फिर इनमें से कोई नहीं। 87 क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए, कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे, और आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज़ का, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट, टॉपिक अकॉर्डिंग टेस्ट या फिर आपका रिविजन टेस्ट जो भी ग्रुप में प्रोवाइड किया था वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा जे एफ विलियम से रिलेट करेंगे। ए ऑप्शन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है, और जो भी स्टूडेंट 20 और 21 सितंबर के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो कि कॉमन टेस्ट होता है, जो जुड़े हुए स्टूडेंट हो, पेड ग्रुप में हो या फिर नहीं जुड़े हुए, जिनको भी जुड़ना होता है, वो 10 रुपीज का पेमेंट करके वो दो कॉमन टेस्ट जो आपको प्रोवाइड किया था वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 20 और 21 सितंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जो है केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं, निम्न कथन जो है ये क्या है, किससे संबंधित है, ये कथन बताइएगा। हाँ, सभी सेम ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो ये रिलेट करेगा WHO से, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी निम्न शब्द से हुई, जो किन्सियोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ये कीनन व लोगस शब्द से हुई थी, केंसियो व लॉगी शब्द से हुई थी, काइनन, काइन या फिर सियोलॉग या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में आप सभी का जो आंसर है वो कौन सा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से आप लोगों का स्कोर जो होगा 500 का ही पूर्णांक होगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 500 का पूर्णांक, जो भी अधिकतम मार्क्स गेन करके मेरिट लिस्ट में रहेगा सेलेक्शन उसी का होना है। ए ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
कीनन शब्द का अर्थ बताइएगा, इसमें से इसका अर्थ क्या होगा, घूमना बैठना चलना या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तो हमारे शरीर में कितने जोड़ी पसलियां, जोड़ी की बात की गई है तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है, जो अस्थि संधि है, साइनोवियल फ्लूड, साइनोवियल थर्मल, फाइनाइल फ्लूड या फिर यहां पे आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा। बहुत बेहतरीन, ए ऑप्शन सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है, इसमें से बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी संधि ऐसी है जो कि चल संधि से रिलेट नहीं करती है, कलाई की संधि, कपाल संधि, गेंद और गड्ढा संधि या फिर कोहनी संधि। नहीं की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, गेंद और गड्ढा संधि शरीर के किस अंग में होती है, ये कौन से अंग से रिलेटेड है, घुटने में, कंधों और कूल्हे में, जांघ में या फिर रीढ़ की हड्डी में। 94, हाँ बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एग्जैक्टली राइट आंसर है बी ऑप्शन से रिलेट करते हैं, बी उत्तर आप सभी का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है हिंज यानी कि चल संधि है, इसमें से टखने की संधि है, कंधे की संधि है, कलाई की संधि है या फिर डी ऑप्शन है घुटने की संधि। चल संधि से रिलेट करेंगे, घुटने की संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुकाएं जो हैं एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को संधि को कहते हैं, इसको निम्न में से क्या कहते हैं, इसको अचल संधि कहते हैं, फिसलने वाली संधि या फिर कीलदार संधि या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, सही उत्तर से संबंधित नहीं है। सही आंसर आपकी स्क्रीन पर कीलदार संधि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है, इसमें जो मांसपेशियों का जो भार होता है वो 30% होता है, 40% होता है, 45% होता है या फिर डी ऑप्शन है 65%। क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, इस प्रश्न में राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा। बहुत बेहतरीन, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो यहां जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर अटेम्प्ट करना। देखिए 639 होती हैं, आप लोग को एग्जैक्ट पता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप क्या अटेम्प्ट करेंगे ये देखिएगा, 650 ऑप्शन के अनुसार, बाकी तो आप लोग को भी पता है 639 40 से रिलेट करते हैं, 639 आपका एग्जैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन सी मांसपेशियां जो हैं ऐच्छिक होती हैं, इसमें से बताइएगा फेफड़े, हृदय, आंत या फिर हाथ। हाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा। ये देखिएगा प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए जा चुके हैं, कंप्लीट भी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से अनैच्छिक की तरह कौन सी मांसपेशी कार्य करती है। देखिए 99 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हृदय से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और हाथ जो होगा ये कैसा होगा, ये ऐच्छिक हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके पहले का आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ दौड़ के लिए ग्रीस वासियों द्वारा किस प्रकार के दौड़ पथ बनाए जाते थे, कौन से प्रकार के जो है दौड़ पथ वो बनाए जाते थे, गोल पथ बनाए जाते थे, सीधा पथ, अंडाकार पथ या फिर पहाड़ी पथ, बताइए 101। और अगर आपने बीपीएड किया हुआ है, सीपीएड किया हुआ है, डीपीएड किया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपकी डिग्री है, तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, प्रैक्टिस सेट, मैराथन वीडियो, क्विज आप लोगों को चैनल पे डेली रैंडमली तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधा पथ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पेंटेनॉल नामक शब्द में पेंटा और एथलन जो है से क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य आपको बताना है पांच और पत्ते से रिलेटेड है। प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की, जो इन्होंने कौन से खेल में गोल्फ, मल्लयुद्ध, जूडो या फिर तैराकी।
बताइए आंसर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्ल युद्ध से रिलेट करेंगे, बी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो है मुख्य कार्य है, जो इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, इसका मुख्य जो कार्य है द्रव्यों को ले जाना, मृत कोशिकाओं को हटाना, रक्त संचरण को बढ़ाना या फिर संक्रमण से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 104 एग्जैक्टली करेक्ट आंसर बताइएगा। और अपनी स्कोरिंग आप सभी लोग करते रहिएगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें से ईमानदारी के साथ में आपका स्कोर क्या रहता है, क्योंकि अगर आप लोगों का स्कोर यहां पे जितना भी रहता है उसको 10 क्वेश्चन प्लस माइनस 10 से 5 क्वेश्चन प्लस माइनस कीजिएगा एग्जाम टाइम के, क्योंकि एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर और आप जब प्रैक्टिस सेट अपने घर पे सॉल्व करते हैं उसका एटमॉस्फेयर अलग रहता है। तो 10 क्वेश्चन का जो मार्जिन रहता है ये सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 104 है, संक्रमण से लड़ने से रिलेट करेंगे, WBC की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय संकुचन में जो पेशी होती है वो कैसी होगी, सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैपुला कहाँ स्थित होता है, जो स्कैपुला है ये निम्न में से पैर, नितंब, ऊपरी पीठ या फिर बांह से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लैटिसमस डॉर्सी कहाँ होती है, जो लैटिसमस डॉर्सी है निम्नलिखित में से बताइएगा, पैर के निचले हिस्से में होती है, जांघ में होती है, पीठ या फिर ऊपरी बांह में होती है, लैटिसमस डॉर्सी यहाँ पे आंसर आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्डोसिस का एक नाम यह भी है, जो लॉर्डोसिस है इसका एक नाम निम्नलिखित में से क्या है, गोल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ, पार्श्विक पृष्ठ या फिर पृष्ठ वक्रता। 108 क्वेश्चन, इसमें उत्तर आपका होगा पार्श्विक पृष्ठ, सी उत्तर से रिलेट करेंगे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबोला जो है निम्नलिखित में से क्या है, पैराबोला बताइएगा, मुक्त वायु में प्रक्षेपित किसी पदार्थ का मार्ग है, वायु प्रतिरोध से निर्मित किसी पदार्थ का मार्ग है, सीधे नीचे गिरते हुए किसी पदार्थ का मार्ग या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 109, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विराम और गति जैसे पदों का अध्ययन किसमें होता है, इसका जो अध्ययन करते हैं ये किसमें होता है, जैव यांत्रिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को जो है सर्वदाता कहते हैं, कौन सा रक्त वर्ग है जिसके व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, ए बी, ए ओ या फिर बी। हाँ, सर्वदाता यहां पे आपको बताना है और साथ में सर्वग्राही भी बताना है। क्वेश्चन का आंसर तो आपकी स्क्रीन पे है सी ऑप्शन, लेकिन आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कौन सा रक्त वर्ग होता है जिसको सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं, इसको निम्न में से शिविर, आश्रम, एजेंसी या फिर कोई नहीं, यहाँ पे बताइएगा। और शिविर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। 20 और 21 सितंबर के लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, 2 दिवसीय जो प्रैक्टिस सेट आपका है बिल्कुल TGT के पैटर्न के अनुसार, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं 10 रुपीज का पेमेंट करके 2 दिवस के लिए 20 और 21 सितंबर को। और जो भी जो आपका बैच चलता है उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, बहुत से स्टूडेंट्स के मोबाइल में सेव भी होगा। यहाँ पे आंसर होगा विटामिन व खनिज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सीखना कौन सी प्रक्रिया है, जो सीखना है
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप बताइएगा। इसका जो सामान्य ताप होगा 98.6। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बी होगा, कहीं कहीं पे उत्तर आप लोग को अलग भी मिलता है। तो ये ऑप्शन आप लोग का NCERT की बुक के तहत यहाँ पर राइट होगा, ऑलरेडी यूपी टेट 2018-19 में पूछा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? प्रोफेसर कर्ण सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीएस का क्या अर्थ है? जो सीटीएस का अर्थ है निम्नलिखित में से क्या है? अधिक तेज दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेन व स्ट्रेन का प्राथमिक इलाज किस विधि से किया जाता है? इसका जो इलाज किया जाता है कौन सी विधि से किया जाता है? RICE के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक प्रतियोगिता निम्नलिखित में से कौन सी? जो ट्रैक प्रतियोगिता है ये बताइएगा, निम्न में से लंबी कूद है, भाला फेंक है, मैराथन या फिर पोल वॉल्ट। हाँ, 119। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, त्वचा व म्यूकस झिल्ली पर स्क्रिप लग जाना जो है ये कहलाता है, क्या कहलाता है? एब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत बताइएगा। जो विटामिन डी है इसका एक मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी, अत्यधिक पानी, संतुलित भोजन या फिर डी ऑप्शन फल। 1-2-1 ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर है, एग्जैक्टली करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें बताइएगा, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थ जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के मुख्य कार्य हैं, जो भोजन है इसका निम्नलिखित में से मुख्य कार्य क्या है? देख लीजिएगा आप लोग उत्तर, इसमें कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए ऑप्शन, नई कोशिकाओं को बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? ये जो परिभाषा दी है निम्न में से किसने दी है? रूथ बेनेडिक्ट ने दी है, वुडवर्थ ने दी है, पीटरसन ने दी या फिर BN झा ने दी है। 124, ये परिभाषा BN झा ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति जो है पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है, ये परिवेक्षण, शिक्षण, मूल्यांकन या फिर कैंपिंग। देखिएगा आंसर क्या होगा, और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, और कॉमन टेस्ट आप लोग का 20 और 21 सितंबर को आयोजित होगा, जिसको भी वहां पे जुड़ना है उससे भी जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का होगा सी ऑप्शन, सी उत्तर सही आंसर है। तो ये थे आज के इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 125 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद आ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि डेली का डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिए, क्योंकि यूपी TGT का एग्जाम जो है हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के बाद में कंडक्ट हो जाए। तो लगातार आप लोग कंटिन्यूटी बना के तैयारी करिएगा, जिस तरीके से आप लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं फायदा आपको अवश्य मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।